एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द यूट्यूब। आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में मिले कराए एक और न्यू केयर पॉडेशन ट्यूटोरियल, जो कि होने वाला है ग्लोबल लेवल पर, और इसे ऑर्गेनाइज कर रही है YG एंटरटेनमेंट। YG एंटरटेनमेंट लेकर आया है YGMM मंथली ऑडिशन 2022 फॉर द दिसंबर मंथ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा दिया था किस तरह से आप YGMM मंथली ऑडिशन फॉर द दिसंबर मंथ 2022 के लिए आपको अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आपको गूगल एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट कब तक होगा। तो इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आप सभी चीज़ समझ जाए इस YGMM के दिसंबर के मंथली ऑडिशन के बारे में। मगर आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरह से आप इसका गूगल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहाँ पे आपको ये फॉर्म मिलेगा और कहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसे फिल करके अप्लाई कर पाएंगे YGMM के दिसंबर के मंथली ऑडिशन के लिए। सब चीज़ समझाऊंगी A to Z, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप सक्सेसफुली अप्लाई कर पाए इस YG एंटरटेनमेंट के कोलैबोरेशन विद YGMM एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टैप कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन बना रहता है। और साथ ही मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मदद कीजिए। और साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज YouTube पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आने वाले अपकमिंग केयर ऑडिशन अपडेट्स की, और साथ ही BTS के अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे YouTube फॉर फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है YouTube नाम से, आप मुझे वहां पर भी सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा आने वाले अपकमिंग केयर ऑडिशन के अपडेट्स के लिए। केयर ऑडिशन को पास करने में कुछ टिप्स एंड एडवाइस की जरूरत है तो ज्वाइन मेंबरशिप में अपने यूट्यूब चैनल JDU पर आपको केयर ऑडिशन के एडवाइसेस और टिप्स और केयर ऑडिशन के ट्यूटोरियल्स देती हूँ। आई होप आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ये मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको काफी इंस्टेंट एक्सेसेस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपको केयर ऑडिशन को पास करने में, ताकि आपका केयर आइडल बनने का सपना पूरा हो सके। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जैसे कि लॉयल्टी बेजेस, इमोजीज एंड पर्क्स, मेंबर ओनली चैट रूम्स। यहाँ पर सिर्फ जो मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी उनके लिए एक अलग से चैट रूम बनाया जाएगा, जहाँ पे सभी आप लोग बात कर सकते हैं और अपनी वरीज को सॉल्व कर सकते हैं कंसल्ट करके। मेंबर ओनली लाइव चैट्स, जितने भी मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी उनके लिए एक लाइव चैट मैं ऑर्गेनाइज करूंगी कुछ टाइम में, ताकि वो लोग अपने से बात कर सकें, सभी आप केवल फ्रेंड्स हो सकें और अपनी जो बातें हैं अपने एक दूसरे से शेयर कर सकें। पर्सनल चैट्स, इसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अपनी वरीज और अपने जो भी आपको टिप्स चाहिए कुछ भी ऑडिशन से रिलेटेड, ऑडिशन वीडियो से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ वीकली और मंथली इवैल्यूएशन सेशंस, आपके ऑडिशन वीडियो और आपके ऑडिशन के डांस सिंगिंग और फोटोज, उनके आप मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपको इवैल्यूएशन कर सकूं, बता सकूं कि वो जो आपने फोटोज और वीडियोस बनाई हैं वो आपके जो ऑडिशन में अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। अर्ली एक्सेस टू वीडियोस, जो मैं वीडियोस डालती हूं उस पर आपको अर्ली एक्सेस मिल सके ताकि आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सके, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल जो ऑडिशन होते हैं उनकी जो है जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 48 आवर्स का। आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना होता है क्योंकि आजकल सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए आपको जल्दी से जल्द पता चल सके कि किसका ऑडिशन हो रहा है कब हो रहा है, तो वो आपको मिल सकती है एक्सेस पर भी। और साथ ही प्रायोरिटी टू कमेंट्स, क्योंकि जो ये भी ऑडिशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे होते हैं तो सभी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो भी बहुत ज्यादा नंबर पे आते हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ को ही रिप्लाई कर पाती हूँ और कुछ को नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। इसलिए अगर आपके मेंबरशिप होगी तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं प्रायोरिटी दूंगी और उन्हें सबसे पहले रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों की मेंबरशिप को ज्वाइन करने से जो सपोर्ट मुझे मिलेगा, ना कि सिर्फ आप बेनिफिट्स को रिसीव करेंगे बट आप मेरी भी मदद करेंगे, ताकि ऐसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियोस को क्रिएट करती रहूं और आपके केयर पोर्शन का पास करने में और आपके केयर आइडल बनने का सपना पूरा होने में एक जरिया बन सकूं। सो ज्वाइन द मेंबरशिप नाउ। YGMM मंथली ऑडिशन एक तरह का मंथली ऑडिशन है जो कि हर महीने होता है, और ये होता है 1-on-1 जूम ऑनलाइन ऑडिशन। इसका मतलब ये कि इसमें एक आप होते हैं और इसके आपके सामने एक जज होता है, सिर्फ आप दोनों के बीच में ही इसके ऑडिशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है और आपको जो है इसको ऑडिशन देना होता है, और ये हर महीने होता है तो आप इसके लिए हर महीने अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू फिल द गूगल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर YGMM नवंबर मंथली ऑडिशन 2022 के बारे में। देखिए, एक तो गूगल एप्लीकेशन फॉर्म को आपको देखने के लिए दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो मैंने गूगल एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उसको जाके आप कॉपी कर लीजिए और फिर गूगल पर जाके पेस्ट करेंगे और जैसे आप सर्च करेंगे ऐसे आपके सामने थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा गूगल एप्लीकेशन फॉर्म। और दूसरा तरीका है, एक उन्होंने QR कोड दिया है उसको आप कर सकते हैं, उसको QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद आपके सामने एक लिंक खुलेगी, उस लिंक को क्लिक करना है तो भी आपके सामने गूगल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। बट अगर आप वो नहीं कर पाते तो सिंपली मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए उसको कॉपी करिए, गूगल पर पेस्ट करिए और इस तरह से सर्च कर लीजिए। देखिए, मेरे सामने ओपन हो चुका है YGMM मंथली ऑडिशन फॉर नवंबर मंथ इन 2022 के लिए। देखिए, मैं सब चीज़ समझाती जाती हूँ आपको इस गूगल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, कहाँ पर आपको क्या क्या फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है YGMM मंथली ऑडिशन, बाकी यहाँ पर वही सभी इन्फॉर्मेशन दी हुई
हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। तो पेज को नीचे रोल करने के बाद आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, आई एक्नॉलेज एंड अग्री दैट YGMM कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी में कलेक्ट एंड यूज माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन विच प्रोवाइड इन माई एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब यह है कि हाँ, आप अपनी मर्जी से और आप एक्नॉलेज करते और अग्री करते हैं कि हाँ, आप खुद YGMM कॉर्पोरेशन को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और गूगल एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी चीज़ों की नीड है वो अपनी मर्जी से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चूज का बटन दिख रहा है, आपको इस चूज के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने अग्री और डिसअग्री के ऑप्शन आएंगे, तो आपको अग्री पे क्लिक करना है। अगर आप डिसअग्री पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहीं पे क्लोज हो जाएगा, तो आपको अग्री पे क्लिक करना है। और आप बता रहे हैं कि हाँ, आप अपनी मर्जी से चीज़ों को दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये लिंक दिख रही है, यहाँ पे जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो कंसेंट पॉलिसी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ यू आर अंडर 20 ईयर्स ऑफ एज पेरेंटल कंसेंट इज रिक्वायर्ड। उनका कहना है अगर आप 20 साल से कम के हैं तो यहाँ पे आपको पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पेरेंटल कंसेंट देना होगा, यानी कि आपको यहाँ बताना होगा कि हाँ, आपके पेरेंट्स ने आपको परमिशन दे दी है इसके ऑपरेशन पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आप 20 साल से कम के हैं तो। तो यहाँ पे फिर से आपको क्लिक करना है चूज पे, यहाँ पे फिर से आएगा अग्री और डिसअग्री का ऑप्शन, तो आपको अग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का बटन, तो आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए ये है आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी होगी, इंग्लिश में या फिर थाई लैंग्वेज आपकी जो मर्जी हो उसमें। सबसे पहले आप देखिए पेज को नीचे रोल कर लीजिए। देखिए सबसे पहले जहाँ पूछेगा ये आपका ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको वही ईमेल एड्रेस लिखना है जिस पर आपको सभी अपडेट्स वगैरह आती हो और आपका ईमेल आईडी चालू हो। इसमें कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप केओ पोर्शन को पास कर लेते हैं तो एक यही जरिया है, ईमेल एड्रेस के थ्रू या फोन नंबर के थ्रू आपको कांटेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने ऑडिशन पास कर लिया है, तो आपका ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पूछी है फुल नेम, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नेम लिखना है नेम और सरनेम के साथ, और मेक श्योर कीजिएगा कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पूछी गई है फ्रंट फेस फोटो, तो यहाँ पे आपको फ्रंट फेस फोटो अटैच करना है। फ्रंट फेस फोटो होता है आपका सर से लेकर आपके चेस्ट तक का, सिर्फ इतना ही फोटो आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड करना है। तो आप फोटो कैसे ऐड कर पाएंगे, आपको करना होगा इस ऐड फाइल पे क्लिक। जैसे आप इस ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इस ब्राउज पे। इस ब्राउज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तीन ऑप्शंस खुलेंगे, कैमरा, फाइल्स और नियर बाय। तो कैमरा में तो आपको मतलब आप हाथों हाथ फोटो खींचेंगे तो वो तो ठीक नहीं रहता है, पता नहीं फोटो कैसा आएगा और कैसा नहीं रहेगा। तो सर अच्छा है कि आपने जो फोटो खींचा हुआ है वही आप सिलेक्ट करें, और वो फोटो आपको मिलेगा फाइल्स में, तो आपको इस फाइल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी लिस्ट खुल जाएगी, आपके फोटो, वीडियो, इमेजेस, फोन नंबर वगैरह सब कुछ आपके सामने यहाँ खुल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस पर जो आपको इमेजेस पे जाना है, जैसे आप इमेज पे जाएंगे और आपको यहाँ पे वही फोटो सिलेक्ट करना है जो आपने इसके ऑपरेशन के लिए खींची थी, और बस उस जैसे ही आपने उस फोटो पर टच करेंगे वैसे ही आपके सामने ऐसा अपलोड होने का दिखेगा, और जैसे ये पूरा अपलोड हो जाएगा अपने आप आपका जो फोटो है वो अटैच हो जाएगा। ऐसे ही आपका फोटो दिखेगा तो समझ जाएगा आपका फ्रंट फेस जो है अटैच हो चुका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पूछी है जेंडर, तो अगर आप मेल है तो मेल पर टिक कर दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसके नीचे लिखा है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर को डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना नहीं आता है तो मैं आपको समझा देती हूँ। आपको इस डाउन एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको अपना बर्थ ईयर चूज करना होता है। देखिए यहाँ पर 2022 लिखा है, आपको इस पर टच करना है। जैसे आप इस पर टच करेंगे तो देखिए आपके सामने काफ़ी सन खुल जाएंगे, फिर आपको वही सन सिलेक्ट करना है जिसमें आपका जन्म हुआ है। चलिए मैं रैंडमली सिलेक्ट कर लेती हूँ 2008, इसमें 2008 सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए अब हमें मंथ को सिलेक्ट करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नवंबर 2008, तो यहाँ पे आपको दो एरो दिख रहे हैं, एक इस तरफ दिख रहा है और एक इस तरफ। अगर नवंबर के पहले आपका बर्थडे आता है तो आपको इस तरफ क्लिक करते जाना है जब तक आपका मंथ नहीं आ जाए, और अगर आपका नवंबर के बाद आता है यानी कि दिसंबर में आता है तो आपको एक और सिलेक्ट करना है आगे, अदरवाइज सिर्फ वही जनवरी फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जिसमें आपका बर्थडे आता है आपको उस हिसाब से अपना मंथ सिलेक्ट करना है। जैसे मैं मान लेती हूँ चलो अक्टूबर में मेरा बर्थडे आता है तो मैं इस साइड चल जाऊँगी, तो ये साइड में आपको मैंने क्लिक कर देंगे, फिर आपके आप सामने डेट्स आ गई पूरी। अब हमने मंथ सिलेक्ट कर लिया है, अब हमें डेट सिलेक्ट करनी है। डेट आप कोई भी सिलेक्ट, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है आपको वो सिलेक्ट करना है। मैं मान लेती हूँ 15 तारीख, चलो मैंने 15 तारीख मान लिया है। अब उसके आपको नीचे दिख रहा है सेट का बटन, इस सेट के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पूछी है नेशनलिटी, तो यहाँ पे आपको कंट्री का नेम लिखना है, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे लिखा है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, यानी कि किस कंट्री में आप रहते हैं आपको उस कंट्री में आपको लिख देना है। नेशनलिटी इन द सेंस इंडियंस को लिखना है इंडियन, और कंट्री ऑफ रेसिडेंस में आपको लिखना है इंडिया।
उसका देखिए नेक्स्ट नीचे लिखी हुई है हाइट वेट, तो हाइट आपको सेंटीमीटर में लिखनी है और वेट आपको किलोग्राम में लिखना है। उसके बाद पेज को नीचे रोल कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट उन्होंने आप पूछी है फोन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर लिखना है। वही फोन नंबर लिखेगा जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों चालू हो, और जब आपको कोई कॉन्टैक्ट करता है तो फोन आपको लग जाए। उसके देखिए नेक्स्ट यहाँ लिखी ऑडिशन कैटेगरी, तो इन चारों कैटेगरी में जिसमें भी आप बेस्ट उस कैटेगरी को अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद पेज को नीचे रोल कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ लिखी हुई है यू आर टैलेंटेड वीडियो, वीडियो यानी कि आपकी ऑडिशन की वीडियो है वो आपको यहाँ पे अटैच करनी है। इन चारों कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं आपने उसके ऑडिशन वीडियो बनाई है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था इन चारों कैटेगरी में अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपको किस तरह से बनानी है और कितने मिनट की बनानी है, तो प्रीवियस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसको देखने के बाद अपने ऑडिशन की वीडियो बनाएगा और उसको यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। कैसे आप अटैच करेंगे वैसे ही आपको प्रोसीजर करना है, सेम टू सेम एड फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस फाइल ब्राउज पर क्लिक करना है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे फाइल का दिख रहा है, फाइल के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहे हैं तीन डॉट, इन तीन डॉट पर क्लिक करना है। फिर आपको वीडियोस पे जाना है, उसके बाद आपने जो ऑडिशन वीडियो बनाई है उस पर टच करना है। जैसे उस पर टच करेंगे ऐसे अपलोड होने लगेगा, और जैसे अपलोड हो जाएगा आपकी वीडियो अटैच हो जाएगी, और बस आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर लिखा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो इस तरह से आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है इस YGMM के नवंबर के मंथली ऑडिशन 2022 के लिए। तो यही थी सभी इन्फॉर्मेशन YGMM के इस मंथली ऑडिशन ऑफ द दिसंबर मंथ 2022 के बारे में। होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस वेल, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड यू कैन चेक आउट माय प्लेलिस्ट ऑफ केयर पोर्शन ट्यूटोरियल्स एंड ऑल्सो 24/7 ऑलवेज ओपन ऑनगोइंग ऑडिशंस एंड ट्राई आउट एज मेनी ऑडिशंस एज यू कैन। इफ यू लाइक व्हाट यू सी देन मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्रिप्शन बटन, इट विल हेल्प मी टू ग्रो, ऑल्सो एनकरेज मी टू मेक मोर अपडेट्स रिलेटेड टू BTS, K-pop, केयर पोर्शन ट्यूटोरियल्स, केयर पोर्शन टिप्स, क्वारंटाइन वीडियोस लाइक दिस इन द फ्यूचर, एंड ऑल्सो हेल्प मी टू कंप्लीट 5,000 subscribers soon. Love you all. Stay safe. See you guys on my next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel JTube. Bye bye. Did anybody out there?